नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल संदीप थाइल में। आज हम हरियाणा जी के और करंट अफेयर्स के जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो कि भी HSSC के पहले के एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार आए हुए हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, वो करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा का कौन सा नेता 3 राज्यों पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में मंत्री रहा है? ये है तैयब हुसैन। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? खंडवा। सोनीपत जिले के खानपुर में स्थित महिला विश्वविद्यालय का क्या नाम है? यह है भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय। सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ? 1949 ईस्वी में। क्षेत्रीय फार्मूला कब लागू हुआ? 1956 ईस्वी में। हरियाणा अलग राज्य कब बना? 1 नवंबर 1966 ईस्वी को पंजाब से हरियाणा अलग राज्य बना था। भिवानी और सोनीपत जिले कब अस्तित्व में आए? भिवानी और सोनीपत 22 दिसंबर 1972 ईस्वी को बने थे। हाल ही में हरियाणा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? यह है अभिनेता धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को। हरियाणा के किस शहर का पुराना नाम जैनतापुरी है? यह है जींद। गो संरक्षण और गो संवर्धन कानून हाल ही में किस राज्य द्वारा पारित किया गया है? हरियाणा। हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की राशि बैंक खातों में जमा करवाने के लिए योजना को क्या नाम दिया गया है? यह है थारी पेंशन थारे पास। हरियाणा का कितना क्षेत्रफल NCR के अंतर्गत आता है? 57%। इसमें जो भी हरियाणा के 13 जिले NCR के अंदर आते हैं। पृथ्वीराज का किला कहाँ है? हिसार में। फिरोज शाह महल कहाँ है? हिसार में। ये जो है ये फिरोज तुगलक ने बनवाया था। हिसार की स्थापना भी फिरोज तुगलक ने ही की थी। राजा नाहर सिंह का महल कहाँ है? ये है बल्लभगढ़ फरीदाबाद में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि NDRI की स्थापना कब हुई थी? 1955 ईस्वी में। बीरबल का छत्ता के नाम से प्रसिद्ध हरपाल राय बालमुकुंद का महल कहाँ है? ये है नारनौल महेंद्रगढ़ में। सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट CSSRI हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ये है करनाल में। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल संदीप ढाल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको जो मैं वीडियोस अपलोड करूँ उनके अपडेट मिलती रहें। आइए कंटिन्यू करते हैं। सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये थी 1969 ईस्वी में। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित है? सिरसा जिले में। देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान जहां 2035 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है बाढ़सा झज्जर जिले में। हरियाणा में परमाणु विद्युत केंद्र कहां बनाया जा रहा है? यह है गोरखपुर फतेहाबाद जिले में। फतेहाबाद शहर 1352 ईस्वी में किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। हरियाणा में किस स्थान पर प्रतिवर्ष आम उत्सव मनाया जाता है? यह है यादवेंद्र उद्यान पिंजौर में। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? यमुनानगर जिले में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है। अम्बाड़ा में सैनिक छावनी अंग्रेजों ने कब बनवाई थी? ये 1843 ईस्वी में। सीही जो कि फरीदाबाद में है, जन्मे सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? अकबर। सूरदास और अकबर एक ही समय के थे। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी कि NRCIPM की स्थापना कब हुई थी? ये थी 1988 ईस्वी में। हरियाणा राज्य में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेटिक्स यानी कि NIAG किस जिले में स्थित है?
करनाल जिले में। राज्य में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स की स्थापना कब हुई थी? ये 1984 ईस्वी में। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्सेज यानी कि NBARGR किस जिले में स्थित है? करनाल जिले में। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज की स्थापना कब हुई थी? 1985 ईस्वी में। डायरेक्टरेट ऑफ व्हील रिसर्च यानी कि DWR राज्य के किस जिले में स्थित है? करनाल में। डायरेक्टरेट ऑफ व्हील रिसर्च की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये 1978 ईस्वी में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा के किस जिले में स्थित है? यह है करनाल जिले में। हरियाणा की वह महिला जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला भी है, यह है श्रीमती संतोष यादव। हरियाणा में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? 835 ग्राम। हरियाणा में सबसे अधिक नगरों वाला जिला कौन सा है? भिवानी। धमतान साहिब गुरुद्वारा किस जिले में स्थित है? जींद जिले में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की थी? इन्होंने की थी पानीपत जिले से। भीमेश्वरी देवी का मेला हरियाणा में किस स्थान पर लगता है? यह है बेरी जो कि झज्जर जिले में है। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा हरियाणा के किस नगर में की गई थी? कुरुक्षेत्र जिले में। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के कौन से नगर शामिल किए गए हैं? करनाल और फरीदाबाद। 2016 में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हैपनिंग हरियाणा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ये था गुड़गांव में। हरियाणा में कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से शादी के अवसरों पर किया जाता है? घोड़ा। घोड़ा नृत्य शादी के अवसरों पर किया जाता है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिसर सरोवर तीर्थ क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है यानी कि कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर तीर्थ और ब्रह्म सरोवर तीर्थ दोनों ही कुरुक्षेत्र में स्थित है। कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये थे बाबा श्रवणनाथ, इन्होंने करवाया था। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन। हरियाणा में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा था? 1991 में। और सबसे पहली बार जो लगा था 1967 में। 66 में हरियाणा की स्थापना हुई थी और 67 में राष्ट्रपति शासन लगा था। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल संदीप धायल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मेरे जो लेटेस्ट वीडियो हैं उनकी अपडेट मिलती रहें।